बच्चों, कल हमने वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट किया था और आपने देखा वेक्टर का चैप्टर जो मैंने कल स्टार्ट किया था उसमें डायरेक्शन पर बड़ा जोर दिया था। जोर क्या, सारा फोकस ही डायरेक्शन पर था। एक्चुअल में थोड़ा सा मैं जो है ये वेक्टर वाला जो चैप्टर पढ़ाता हूँ ये परंपरा से हट करके पढ़ाता हूँ, जैसी पढ़ाने की परंपरा उससे थोड़ा सा अलग जाता हूँ मैं, हमेशा ही अलग जाता हूँ। और उसका कारण होता है कि जब तक डायरेक्शन पर ध्यान न दिया जाएगा वेक्टर पढ़ाने का कोई अर्थ होता भी नहीं है। तो कल जो हमने डायरेक्शन पर बात की मैं उसको एक बार समराइज बना दूं, समरी बना दूं पूरी कल की सारी बातों की समरी बना दूं। देखिए सबसे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देना चाहता हूं जो कल हमारी जो कहानी थी, कल हमारी जो स्टडीज थी उसको समरी करेंगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप है ना स्पेशल पॉइंट्स के फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली कंसेप्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये होता है वेक्टर। अब जब ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है तो इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। आप समझिए इस बात को, डायरेक्शन का मतलब ही यूनिट वेक्टर है। बस आपने यूनिट वेक्टर लगा दिया ना, इसका मतलब डायरेक्शन लिख दी। तो किसी भी वेक्टर को आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप मैग्नीट्यूड लिखिए और डायरेक्शन लिख दीजिए। आपने वेक्टर लिख दिया तो मैग्नीट्यूड लिखना तो बड़ा आसान है, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स है तो लिख ही देते हो आप 10 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स है तो आप आराम से लिख देते हो। असली काम है डायरेक्शन को लिखना, यानी कि यूनिट वेक्टर को लिखना। वो हम आपको सिखा रहे हैं, सिखा दिया था। आज मैं उसको वापस से एक बात कहता हूं, इफ एनी वेक्टर ये कल के पढ़ाई का रिजल्ट है। इफ एनी वेक्टर से ए वेक्टर इज मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स y and z axis respectively, then the components of a vector along x axis, y axis and z axis। ध्यान दीजिए, एनी वेक्टर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं इफ एनी वेक्टर से ए वेक्टर इज मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली, देन the components of a vector along x-axis, y-axis and z-axis are given as. तो वो है ax यानी x component, ay यानी y component, az यानी z component। तो ax को हम कहेंगे a cos alpha, है ना, x component है, i cap unit vector आएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं वो तो बाद में, a cos beta a cos gamma, राइट। एक गलती कभी मत कर देना, कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया कि सर आपने है ना जब टू डायमेंशन पे बात की थी, मतलब उसका कहना था कि सर आपने जब टू डायमेंशन पे बात की थी तो आपने अल्फा प्लस बीटा को 90 डिग्री कर दिया था, लेकिन जब आपने थ्री डायमेंशन पे बात की तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है,
क्योंकि थ्री डायमेंशनली जब आप बात करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एक्चुअल वेक्टर लाइन पे बनेगा, तो दैट उनका सम जो है ना 90 डिग्री जैसा कुछ नहीं हो सकता है ना, उस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि कल का जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने साइन के यूज पर रोक लगाई थी। ये साइन के यूज पर रोक लगाने का पर्पज क्या था? पर्पज था कि हम उस चीज को ही खत्म कर दें। जैसे कल मैंने कहा था यहां पर अगर पी वेक्टर एक वेक्टर था तो उसका एक्स कंपोनेंट आया था पी कॉस अल्फा, और मैंने कहा था पी कॉस बीटा, ऐसा मैंने बोला था, राइट? अच्छा, जबकि जो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है या अभी किताबों में भी लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, लगभग लगभग हर किताब में लिखा जाता है पी कॉस अल्फा एंड पी साइन अल्फा। मैं उस पर रोक इसीलिए लगाना चाह रहा था कि कहीं वो हैबिट ना बन जाए, राइट? तो हम उसको जो है ना इसी तरह से समझें। अब जो ए वेक्टर है आपका, उसके कंपोनेंट बना डाले हमने, ए वेक्टर के क्या बना डाले हमने? कंपोनेंट बना डाले। तो जब ए वेक्टर के कंपोनेंट हमारे बन गए हैं तो पता है मैं ए वेक्टर को क्या लिखूंगा? ए वेक्टर को मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। एक्चुअल में मैं कल वाली बात को दोबारा से पता है रिपीट क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो फिजिक्स की ब्लड मतलब है, ये समझ लो फिजिक्स का लाइफ लाइन है, हार्ट ऑफ द फिजिक्स। अगर उसको आपने पकड़ लिया ना तो देखना आपको फिजिक्स इतनी आसान लगेगी कि आपको जो है ना समझ में आ जाएगी फिजिक्स, फिर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ए कॉस अल्फा को कॉमन ले लूं, ए कॉस बीटा को, तो मैं ए को कॉमन ले लेता हूं, है ना, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब देखिए एक बात है, ये ए वेक्टर क्या है? वेक्टर है। ए क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। अब किसी के अंदर मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो आप, यहां देखो इस डायरेक्शन इसको, ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये आपको पढ़ाया। अब अगर आप वेक्टर में मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो तो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा ना। तो देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिए, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, बहुत क्लियर कट लिख रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू, यूनिट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये आपकी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। कहां से आई है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन? बहुत क्लियर कट मेरी पहली लाइन से आ गई जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये रहा देखो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर। तो जब आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहां पर अगर ए कैप लिखना चाहता हूं तो बड़ा सिंपल है, ए वेक्टर अपॉन ए। मेरे को लगता है बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रही है। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा के कैप, ठीक है, ये वाली बात हमने कल कर ली, राइट? अब इसके बाद में मैं आप लोगों को एक चीज याद कराना दिलाना चाह रहा था, रिकॉलिंग फ्रॉम द 10th क्लास 9th क्लास में आप पढ़ते थे, ज्योमेट्री पढ़ी है आपने, है ना। तो जो अगर मान लो आपका कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था और कोई पॉइंट अगर मान लो यहाँ एक्स वाई होता था तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते थे आप? एक्स वाई की डिस्टेंस निकालते थे आप डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप डिस्टेंस निकाला करते थे। इसी तरीके से अगर थ्री डायमेंशनली जो है ना 3D के अंदर कोई पॉइंट होता था एक्स वाई जेड तो उसकी आप डिस्टेंस कैसे निकालते थे? उसकी डिस्टेंस निकालते थे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। वही काम है, वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ही है, ये वेक्टर का इस पोजीशन का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे इसको कहते थे पोजीशन वेक्टर, कहते नहीं थे, आपको कहा नहीं था 9th-10th में, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है ओरिजिन से उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और फिर उसके जगह कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं तो इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो अब अगर हमें ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो देखो हमने कहा ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए इक्वल टू
ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा राइट। अब आप का ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो आप कर ही लेंगे हमेशा कैलकुलेशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा रहा हूं, हमारे को चाहिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड, तो देखिए यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, जेड कंपोनेंट ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको कल बता दिया था है ना। हाँ जी, कल बताने के बावजूद मैं आज इसको पूरा कॉस अल्फा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आपका वन होता है, और कल मैंने आपको ये चीज समझा दी थी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। कल मैंने काफी सारे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के जो है ना वो भी दिए थे, क्वेश्चंस भी दिए थे, क्वेश्चंस भी दिए थे। अब मैं एक दो सवाल और लेना चाह रहा हूं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन है, इफ अ मंकी, इफ अ मंकी, देखिए मंकी को कई लोग मंकी बोलते हैं, मैं इसको मंकी बोलता हूं है ना, ऐसे ही है, मैं ऐसा ही आदमी हूं है ना। अब जैसे अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, जैसे गायरोस्कोप को लोग गायरो जायरोस्कोप बोलता हूं, मैं जायरोस्कोप बोलता हूं, लोग गायरोस्कोप बोलते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट ही है मामला। इफ अ मंकी, मंकी मूव्स मूव्स ड्यू ईस्ट, इफ अ मंकी मूव्स ड्यू ईस्ट 30 meters देन moves 30 meters, then turn right, and moves 60 meters. ध्यान दीजिए, a monkey moves due east 30 meter, then turn right and moves 40 meter, then again turn right and moves 60 meter, and then climbs up, then climbs up a pole, then climbs up a pole vertically up, ध्यान दीजिए, a monkey first moves 30 meter due east, then turns right and moves 40 meter, again turns right and moves 60 meter, and then climbs up a pole vertically, है ना, तो vertically up 120 meter, calculate net displacement vector its magnitude of displacement and distance moved। देखिए बड़ा ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि एक बंदर है वो ईस्ट में चलता है 30 meters, देन टर्न राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लो बंदर यहाँ था
सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में चलता है 30 मीटर, तो ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर चल गया, ठीक है बेटा 30 मीटर चल गया। इसके बाद क्या होता है, वो राइट टर्न लेता है, तो मोंकी चल रहा है ना, फिर राइट टर्न लेगा, तो राइट टर्न कैसे लेगा देखना जरा, 30 ये है ना, तो 30 है तो 40 को थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ना, 30 से, 30 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए 40 को, ऐसा नहीं ज्यादा ही ज्यादा हो गया, एक मिनट सीधा नहीं हुआ ना, बड़ा हम इसको मिटा के सीधा कर देते, बाबा रे कहाँ गया ये, क्या हो रहा है भाई, ध्यान दो, 30 से अब ये 40 मीटर चला राइट टर्न, राइट टर्न ऐसे होता है, तो दिस इज 40 मीटर राइट। अच्छा देन इट अगेन टर्न्स राइट, अगेन टर्न्स राइट और मूव 60 मीटर, 60 मीटर यानी 30 मीटर का डबल, 30 मीटर का डबल 60 मीटर होता है सर, देखो 30 मीटर का डबल हो गया, ये यहां था पहले, ये 30 मीटर चला, फिर 40 मीटर टर्न हुआ, फिर 30 मीटर डबल टर्न हुआ है ना, डबल चला, तो यहां आ गया, मेरे हिसाब से हो गया होगा है ना। अब जरा मैं यहां से एक ऐसे डॉटेड लाइन डाल देता हूं, तो अब देखिए यहां तक की डिस्टेंस 30 है, तो नेचुरल है कि ये वाली डिस्टेंस जो यहां से यहां तक हुई है ये कितनी हो जाएगी, ये भी 30 मीटर होगी, बिकॉज टोटल इज द 60। अब यहां एक खंबा लगा हुआ है, खंबा पोल, पोल पोल पर जो है ना मंकी चढ़ जाता है 120 मीटर, हमें नेट डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए और क्या चाहिए, वो चाहिए मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैं बना रहा हूं आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिखूंगा एस वेक्टर इक्वल टू एस वन वैक्टर प्लस एस टू वैक्टर प्लस एस थ्री वैक्टर प्लस एस फोर वैक्टर, चार टुकड़े हैं बेटा, बिल्कुल आराम से मस्ती से लिखूंगा मैं, ईस्ट डायरेक्शन को कहेंगे आई कैप, तो मैंने लिख दिया 30 आई कैप, 40 माइनस 40 जे कैप, अब देखो इसको माइनस जानबूझ के लिखा गया है, बिकॉज इट इज माइनस जे कैप, दिस इज प्लस आई कैप, दिस इज माइनस जे कैप, दिस इज माइनस आई कैप, तो अब आपके पास में आ जाएगा 60 आई कैप। अच्छा फिर वो खंबे के ऊपर चढ़ गया, खंबा यहां है, मतलब पेज के आपके जो पन्ना है ना उसके परपेंडिकुलर, मेरा पेज मेरा बोर्ड है, आपका पेज आपका वो है, तो ये आपके कितना हो गया 30 40, ये आ गया 60 आई कैप। अब आप यहां पे डालिए एस फोर कितना आएगा, एस फोर आपका है 120 जे कैप, वो सॉरी के कैप, के कैप जेड वाला है ना, के कैप लिखो उसको। अब आपका एस नेट आ गया, जरा चेक करना आप लोग, मुझे लगता है माइनस 30 आई कैप आ गया, माइनस 40 जे कैप आ गया और प्लस 120 के कैप आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका नाम है राइट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बड़ा सिंपल होता है, बड़ा सिंपल होता है, आपको पता है क्या करना है, आपको करना है एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर, बस ये आ गया। तो देखिए मैं एस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर करो, माइनस 40 का स्क्वायर करो, प्लस 120 का स्क्वायर करो, तो यू विल गेट योर रिजल्ट, एंड आई होप कि मैं इसको अगर एक मिनट जरा मैं अगर इसको 10 को बाहर निकाल देता हूँ, 10 को बाहर निकाल देता हूँ है ना, 10 को बाहर निकाल देता हूँ, तो 10 मैंने बाहर निकाल दिया, सारा ये जीरो था ना, जीरो 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 10 कॉमन ले लिया, तो नाउ वुड बी 39 16 प्लस व्हाट 144, सो आई थिंक इट विल कम अराउंड 130, इट विल कम 130 है ना, 130 मीटर आ जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया, देखिए there is lot of difference between the displacement vector and displacement का magnitude, तो ये आप ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे distance, distance में तो क्या होता है कि जितना चला उसका total कर दो चुपचाप,
30 चला, फिर 40 चला, फिर 60 चला, फिर 120 चला, बस हो गया काम। देखो 100, 220 एंड 2, आई थिंक 250 आ जाएगा, है ना, आप लोग देख लीजिएगा जो भी आए। 250 मीटर चला, तो चला 250 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इतना ही हुआ है, करेक्ट। चलिए अब देखिए, ये आपका एस वेक्टर हो गया। चलिए मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज और डाल देता हूं, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये नया क्वेश्चन बन गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके सामने रखा हुआ है, न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन यूनिट वेक्टर ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट डाउन यूनिट वेक्टर ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ जी, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास में है, यूनिट वेक्टर मैं यहां लिख देता हूं, है ना। हाँ आप जरा देखना ध्यान से, एस कैप यूनिट वेक्टर, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमेशा ही ध्यान रखें। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आया था -30 आई कैप, -40 जे कैप और +120 के कैप, ऐसा आया था। अब आपका एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था 130, ये एस कैप है, राइट। अब आप जरा कैलकुलेट करना, इसको कहेंगे -3/13 आई कैप, -4/13 जे कैप और +12/13 के कैप, ये आएगा आपका, ये आपका यूनिट वेक्टर आया है। यानी हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए ये चीज हो गई आपके पास। अब हम जो है एक क्वेश्चन मैं और करूंगा इसी टाइप का, जिससे कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो कंसेप्ट, वो क्वेश्चन आपके फॉर्मूला चार्ट में, देखिए आपका जो वेक्टर का फॉर्मूला चार्ट है ना, ये मेरे सामने है। वेक्टर के फॉर्मूला चार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर मेकिंग एंगल्स इक्वल, ये मैं कल करवा चुका हूँ। इसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन भी मुझे करवाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे क्वेश्चन की, अ मैन मूव्स ड्यू ईस्ट 30 टर्न्स राइट एंड देन मूव्स 40 देन अगेन टर्न्स राइट एंड मूव 60 एंड क्लाइम्स अप अ टावर 40 मीटर हाई, राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो क्या बात है, आज का हमारा आंसर अलग कैसे आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने आज है? नहीं नहीं आज हमने सवाल अलग लिया है। हाँ नहीं आंसर वो तो है तो भाई। अच्छा 120 मीटर चढ़ा दिया आज हमने बंदर को, उसमें 50 मीटर चढ़ाया हुआ है। मैंने आज बंदर को खंभे पर 120 मीटर चढ़ा दिया। आपके इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला चार्ट में क्वेश्चन, उसमें 50 मीटर ही चढ़ाया हुआ है, तो नेचुरल है उसी तरह से आएगा वो। यानी कि आपका जो यूनिट वेक्टर है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन जो है इस तरह से बनता है कि अ मैन मूव्स ड्यू ईस्ट, अ मैन मूव्स ड्यू ईस्ट 30 मीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स, टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 40 मीटर एंड देन क्लाइम्स अप अ लैडर 50 मीटर, then write down the displacement vector and its unit vector। तो देखो अब की बार में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एक आदमी जो है 30 मीटर चलता है फिर लेफ्ट टर्न लेता है, तो 30 मीटर चल करके लेफ्ट टर्न लेता है ना, इस तरह से। तो आप देखिए 30 मीटर चला आदमी, 30 मीटर चला, करेक्ट।
फिर 30 मीटर चल के 40 मीटर उसने टर्न लिया, ऐसे लेफ्ट टर्न लिया, तो ये ऐसे चलता है तो लेफ्ट साइड ऐसे होती है राइट। चलिए अब इसके बाद में वो खंबे पर चढ़ गया 50 मीटर। खंबे को मैं यहां बना नहीं सकता, ये मेरी जो है ना लिमिटेशन है, ये मेरे लिए लिमिटेशन है, आई कैन नॉट मेक अ खंबा हियर, है ना। हाँ तो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, जान लो समझ लो सब, है ना। 40, अब आप इस बात को समझिए, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर, करेक्ट। अब जब आप इसको देखेंगे तो मैं कहूंगा एस वेक्टर इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एस वन प्लस एस टू तो 30i कैप प्लस 40j कैप प्लस 50k कैप, करेक्ट। ये आपका एस वेक्टर हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास में इसका एस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, है ना। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, राइट। 10 आप निकाल सकते हो कॉमन, तो मुझे लगता है ये 9 प्लस 16 प्लस 25, तो इट विल बी 10√50। 10√50 को मैं बोलूंगा यहाँ पे 50, 25 × 2 होता है, 50 को तो हम आजकल 25 × 2 लिख देते हैं, तो 10 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 50√2 आ जाएगा साहब, 50√2। ये आपका यूनिट वेक्टर का सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। देखिए एस कैप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये आपका आएगा 30i कैप प्लस 40j कैप प्लस 50k कैप, ये आएगा और ये आ जाएगा 50/√2, तो ये आएगा आपका 3/5√2 आई कैप प्लस 4/5√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप, ये एस कैप आ गया आपका, है ना, ये एस कैप आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसका जो यूनिट वेक्टर है ना, ये आप ले सकते, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना फिर सब आसान है। अब देखिए हमारे पास आगे का जो प्लान है वो है वेक्टर एडिशन, फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो और उनके रिजल्ट्स, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सब कुछ जो है ना, ये है जो आप लोगों को सभी पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। एक चीज है लामिश थ्योरम, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, और वेक्टर प्रोडक्ट वगैरह देंगे, ठीक है। इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस है, अभी कोई क्वेश्चन करना चालू मत करना आप, जो है ना अभी चाहो तो फॉर्मूला चार्ट जो है ना उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप कर सकते हो, राइट। बाकी अभी कुछ नहीं करना, एडिशन ऑफ वैक्टर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, है ना। और अगले लेक्चर में ये सब पढ़ा दूंगा मैं, एक एक लेक्चर में ही हो जाएगा ये सब, है ना। ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और लामिश थ्योरम, ठीक है, ये सब एक लेक्चर में हो जाएगा। फिर अपने को प्रोडक्ट के लिए दूसरा लेक्चर लगेगा, राइट। उसके बाद आप क्वेश्चंस करना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, आज थोड़ा सा ये लेक्चर जो है ना छोटा ही रहेगा, क्योंकि आज मैं चाहता नहीं अभी आपके ऊपर कुछ ज़्यादा दबाव डालना, बाद में हम कल करेंगे।